इस वीडियो को देखिए कैसे एक मुसलमान ने काबे में जाकर इस्लाम छोड़ा और मुर्तद हो गया। उसकी बेतुकी और इलॉजिकल बातों का जवाब भी देंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, उसका भाषण इंग्लिश में है, मैं उसका खुलासा उर्दू में पेश करता हूँ। ये कहता है, मेरा नाम जॉन गानिम है और मैं यमन का रहने वाला हूँ। मैं मुसलमान घराने में पैदा हुआ और इस्लाम पर बड़ा हुआ। हमारी फैमिली ने मक्का जाने का फैसला किया। मैं काबे को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। मैंने काबे में देखा कि लोग उसका चक्कर लगा रहे हैं और काले पत्थर को चूम रहे हैं। मेरे दिल में ख्याल आया कि अल्लाह इस घर में रहता है। मेरे दिल ने उसी वक्त कहा कि इस्लाम भी कोई अल्लाह का दीन नहीं, बल्कि इंसानों के जरिए बनाया गया कोई मजहब है, जिसमें लोग पत्थरों की ही पूजा करते हैं। और मैं वही हरम में खड़े खड़े इस्लाम छोड़ दिया और मुर्तद हो गया। अफसोस इसने इस्लामी तालीम हासिल नहीं की, वरना यूं गुमराह ना होता। अगर इस इस्लाम को पढ़ा होता तो जरूर इस बदबख्त को मालूम होता कि मुसलमान काबे की इबादत नहीं करते, बल्कि काबे की तरफ रुख करके इबादत करते हैं, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है और अहकाम खुदाबंदी की पैरवी ही इबादत कहलाती है। और हजरे असवद को इसलिए चूमते हैं क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमा और वो जन्नती पत्थर है।